हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कम्पिटिटिव एकेडमी में। समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी का द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, इसमें हमारा चौथा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। परिचय देख लेते हैं। मनुष्य एक व्यवस्थित भाषा के द्वारा विचार विनिमय करता है। मनुष्य की भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इसमें हम तत्सम और तद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला है, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है। तो इसका उत्तर होगा बी, हरिद्रा। दूसरा है, निम्न में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका उत्तर होगा भक्त। भक्त का तद्भव होता है भगत। और कई ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कति। जबकि यदा, सॉरी, जप का तत्सम होगा यदा। और मोर का तत्सम होगा मयूर। अगला देखते हैं, चना का तत्सम रूप है। तो चना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा चड़क, यानी कि ए। अगला देखते हैं, शब्द का तद्भव रूप है। तो जो शब्द है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा शबद। अगला देखते हैं, निम्न में तत्सम शब्द है। तो क्षेत्र इसमें तत्सम है और खेत, सियार, कचहरी ये तद्भव हैं। तो क्षेत्र का तद्भव होता है खेत और सियार तद्भव शब्द है। सियार का तत्सम होगा श्रृंगाल। और कचहरी का होता है कृत्यग्रह। कृत्यग्रह। और छठा है, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसमें सही शब्द युग्म है वत्स, बछड़ा और बालक, ये तत्सम ही है। और शबद और शबद, तो ये पहला वाला गलत है। इसमें शब्द होता तो ये सही युग्म हो जाता, शब्द तत्सम है और तद्भव शबद है। गोधूल, गेहूं, तो गोधूल नहीं होता है, गोधूम होता है। गोधूम, गोधूम तत्सम है और गेहूं तद्भव। अगला देखते हैं, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, घोड़ा तद्भव है और घोटक उसका सही तत्सम है। सत्तू तद्भव है, लेकिन इसका जो तत्सम होगा वो सक्तु होगा, ना कि सतुआ होगा, ये होता है सक्तु, ये आधा का है। और लौंग तद्भव है, इसका तत्सम होगा लवंग। लवंग, आ की मात्रा नहीं होगी इसमें। और गेना, ये गलत है। गेंद तद्भव, इसका तत्सम होता है कंदुक। आठवां प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है। तो इसमें
तद्भव है दर्शन, इसका तत्सम होता है दर्शन, जबकि बाकी तीन जो है वो तत्सम है। और आशीष का जो तद्भव होता है वो होता है आशीष, आश्रय का होता है आसरा, और उद्घाटन का तद्भव होता है उघाड़ना। आगे देखते हैं, निम्न में तद्भव है, तो इसमें तद्भव है शक्कर, इसका तत्सम होता है शर्करा। सपत्नी ये तत्सम है, इसका होता है तद्भव। सौत रिक्त का तद्भव होता है रीता, और वल्गा का होता है वाग। दसवां प्रश्न, तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानना है, तो इसका सही युग्म है बी, नेह और स्नेह। बाकी देख लेते हैं, आखर ये अखर लिखा है बल्कि ये आखर होता है, और उसका तत्सम होगा अक्षर, आखर। भूख, भूख तद्भव है, इसका तत्सम होता है बुभुक्षा, ना कि विभुक्षा, बुभुक्षा। और तोंद, तोंद का तत्सम होता है तुंद। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।